प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर हल नहीं हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने मुझे वो भी बहुतों को नसीब नहीं होता। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। भगवान आपके घरों में खुशियाँ बनाए रखे। तो मेरी आज की सुबह की शुरुआत हो रही है, साफ सफाई करने के लिए झाड़ू बांधने से। सुबह नाश्ता पानी कर लिया हमने, और अब मुझे आज का ज़रूरी मेन काम था मेरा ये कि झाड़ू बांधने हैं मुझे। मेरे झाड़ू टूट गए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज 3 झाड़ू बांध दूंगी। बुजुर्गों से सुना है कि झाड़ू हमेशा 3 बांधो, 5 बांधो या 1 ही बांधो। तो मैंने 3 झाड़ू बांध दिए। मुझे ज़रूरत थी 3 झाड़ुओं की, एक किचन के लिए, एक हॉल के लिए और एक बाहर आंगन के लिए। किचन का झाड़ू जो है बाहर नहीं लगाते हैं, बाहर जूते भी होते हैं तो जूतों में लगता है वो, तो फिर किचन में नहीं लगाते हैं। इसीलिए मैं हर बार अलग अलग 3 झाड़ू बांधती हूँ। तो मैं आज सुबह सुबह झाड़ू बांध रही हूँ, खाना बना के, खाना नाश्ता करके। और यहाँ सुबह सुबह सभी अपने कपड़े सुखाने के लिए बाहर आ गए हैं। ये मेरी जेठानी जी है, ये भी कपड़े सुखाने बाहर आ गए हैं। इनके आगे जो दिख रहे हैं ये देवरानी जी है, ये भी अपने कपड़े सुखा रहे हैं। कल के धोए हुए इनके कपड़े गीले ही थे और ये आज धूप निकली है अच्छी सी, तो ये कपड़े सुखा रहे हैं सभी। और यहाँ रुक कर ये मेरे साथ बात भी कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आज तो तूने झाड़ुओं की दुकान खोल दी है, 3-3 झाड़ू बांध रही है। मैंने कहा हाँ, मुझे ज़रूरत है 3 झाड़ुओं की, और ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे ऐसे ही कुछ। कहते हैं खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी भरोसेमंद हो एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जब हर हाल में है जीना ही है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। यहाँ आ गई है मेरी देवरानी जी, ये भी खड़े होकर यहीं पे कपड़े सुखाने के बाद डाल दिए तार पे और मेरे साथ रुक कर बात कर रहे हैं।
झाड़ू मैंने तीनों बांध दिए हैं, अब मैं इनको जो है आगे पीछे से बराबर काट रही हूँ। हो गए मेरे तीनों झाड़ू तैयार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि झाड़ू जब बांधो तो उसके साथ जो है कोई एक लोहे की चीज़ ले लो और उसको ऐसे घर में जो ये हॉल में बीच में होता है ना लकड़ी का, उसके चारों तरफ सात फेरे लगाओ। पता नहीं ये सब क्या है, पर बस उनको देखकर हम लगा देते हैं, उनकी सुनी हुई बातें हम फॉलो कर लेते हैं। बस फॉलो करने में क्या बिगड़ता है किसी का, बुजुर्गों की बातें सुन लेनी चाहिए, फॉलो कर लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता है। कमा लिया वैसा ही जैसा वो करते हैं। यहाँ पे मैंने भी कपड़े धो दिए हैं, एक तार पे मेरे पड़े हुए हैं, एक तार पे मेरी जेठानी जी के, और उधर जो लंबी तार उधर है वो मेरी देवरानी जी की है। तीन परिवारों के कपड़े आज तार पे पड़ गए हैं सुखाने के लिए। धूप निकली अच्छी, पिछले कल बारिश थी तो कपड़े अच्छी तरह सूखे नहीं थे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ख्याल रखिए सभी अपना और अपनों का। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।